नमस्कार, मैं अपराजिता पांडे और आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। हजारीबाग का जायका में आपका खूब खूब स्वागत। बड़े महानगरों और शहरों के तर्ज पर अब आपके ही हजारीबाग में कोरा पीटीसी चौक वाला जो रास्ता है सेंट जेवियर्स स्कूल के पीछे खुल गया है। एक ऐसा टपरी कह सकते हैं, ठेला कह सकते हैं आप इसको, केशर बादाम मिल्क का ये ठेला है। और आपको बता दूं कि मेरे नज़र में ये हजारीबाग में पहली दफ़ा खुला है। दूध से बने हुए चाय या फिर रबड़ी वगैरह ये चीज़ें तो मिलती थी, लेकिन केसर दूध और बादाम दूध खौला हुआ, उबलता हुआ, गरम गरम इस ठंड सर्द भरे मौसम में, जो आपका जायका तो बनाएगा ही, साथ ही साथ आपको गर्माहट भी प्रदान करेगा। और कहीं ना कहीं केसर और हल्दी और बादाम ये सारी चीज़ें दूध के साथ अगर मिश्रित हो जाएं तो जाहिर सी बात है बहुत स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। अब आइए बात करते हैं यहाँ जो शॉप में है भैया, उनसे। आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी। मैम थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका और ये आपको कहाँ से मिला इंस्पिरेशन? मेरा नाम विकास कुमार शाह हुआ और मैं यहीं हजारीबाग का ही रहने वाला हूँ। मैं इस चीज़ को तो तकरीबन 6 महीना पहले से ही स्टार्ट करने के बारे में सोचा था, जिसको मैंने दिल्ली जैसा शहर से थोड़ा सीखा, उसके बाद सोचा कि अपने हजारीबाग में इस चीज़ को थोड़ा फैलाएं या बेचें, तो जो अच्छा लगा थोड़ा किया, चालू किया। अभी देखिए कि अच्छी है, दुकान भी अच्छी चल रही है। तकरीबन अभी सप्ताह दिन हुआ है, 10 से 12 केजी लीटर दूध निकल जाता है। अच्छा, आप जरा हमारे दर्शकों को बता दें ये कैसे कैसे करते हैं आप? जी मैम, इसमें केसर रहता है। मिलाते हुए बताइए। इसमें केसर रहता है, बादाम रहता है, और इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक उबालनी पड़ती, खोलानी पड़ती, जो सवेरे समझिए कि सुबह से जो आँच लगी हुई रहती है वो धीमे 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 शाम तक आँच जलती ही रहती है। अच्छा, अच्छा। जिसे धीरे धीरे आप देख सकते हैं यहाँ पे केसर वगैरह गिरा हुआ है और कितना गाढ़ा हो चुका है दूध। और इसमें क्या चीनी भी मिला देते हैं या जायके के अनुसार बाद में मिलाते हैं? जी मैम, जिसके हिसाब से जैसे कस्टमर च्वाइस करे। हाँ, अगर चीनी मांगे तो चीनी देना पसंद करेंगे और नहीं तो फिर वैसे। अच्छा, अच्छा। ऐसे ये तो जैसे केसर दूध हो गया, अब कोई बादाम दूध सिर्फ मांगे, केसर का खुशबू उसको ना पसंद हो तो फिर कैसे बनाएंगे आप? जी मैम, अभी दूसरा बर्तन में बनाना। अच्छा, दूसरे बर्तन में बनाएंगे। तो देख रहे हैं आप, आपके ही अपने हजारीबाग में आपको अब केसर दूध बादाम दूध भी मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हजारीबाग शहर में ये चीज़ आ चुका है। आपको एक दफ़ा बता दूं, गलती हो गई थी मेरे से, ये सेंट जेवियर्स स्कूल के पीछे नहीं बल्कि सामने की बात है। सामने आपको ये ठेला लगा हुआ दुकान मिल जाएगा। कितने बजे से शुरुआत हो जाती है? जी मैम, सवेरे 6 बजे से खोलते हैं, रात के तकरीबन 9-9:30 बजे तक। अच्छा, यानी कि पूरे दिन मिलता रहता है। सही बात है, जैसे कि ठंडा वगैरह में क्या होता है कि पूरे दिन की धूप अच्छी लगती है, अब तो पूरे दिन की धूप अच्छी लगने लगी है, तो जाहिर सी बात है कि सुबह 6 बजे से लेकर के आपको सुबह सुबह की ठंड में भी आपको आराम मिल जाएगा ये दूध पी करके, और शाम को भी मिल जाएगा। अच्छा, और कुछ बताएं हमारे दर्शकों को इसके बारे में, क्या क्या फ़ायदेमंद है और मतलब क्यों इसको ओपन किए आप? जी मैम, इसका मेन मुद्दा खोलने का पीछे यही रीज़न है कि ताकि हमारा भी 2 पैसा का आमदनी हो जाए, और साथ में लोग ठंड जैसी शरद में थोड़ा लोग इसका अलग मजा ले, थोड़ा इसके बारे में लोग जाने कि मतलब इसको पीने से होता क्या है, या आपकी बॉडी में अच्छी हेल्दी बना करके रखेगा। इसमें कुछ कुछ ड्राई फ्रूट्स मिलाए जाते हैं ताकि उनके इम्यूनिटी पावर को बना। चूँकि ये हजारीबाग का जायका आपके सामने पेश किया जाता है तो जाहिर सी बात है चखेंगे तो हम भी। भैया एक कप मेरा भी निकाल दीजिएगा, हम भी टेस्ट कर लेंगे। और फिलहाल ये कुछ लोग हैं जो ये चख चुके हैं ऑलरेडी, लगभग ख़त्म पे है। कैसा लग रहा है? अच्छा है, पीने टेस्ट में? टेस्ट में अच्छा है। केसर का खुशबू आ रहा है या सिर्फ दूध लग रहा है? केसर भी है, बादाम भी है। अच्छा, केसर बादाम पी रहे हैं। हाँ। आप भी सेम ही पी रहे हैं? हाँ। कैसा लगा पीने में? अच्छा लगा। मतलब और बाकी चाय वाय कॉफी उफी से अलग लगा या फिर वैसे ही? अलग लगा थोड़ा, मतलब अलग तो लगेगा जाहिर सी बात। मैं भी कैसा प्रश्न पूछ रही हूँ, मतलब कैसा स्वादिष्ट लगा, बहुत ज़्यादा उसके अनुसार, या फिर सेम वैसा ही जैसे पीते हैं वैसे ही लगा? टेस्ट अलग लगा। अलग टेस्ट लगा। हाँ। तो ये रेगुलर पीने के लिए आते हैं या पहली दफ़ा आएँ? पहली दफ़ा आएँ। हम भी ज़रा चख के फिर आप लोगों को बताते हैं कि कैसा लगा है। मेरा भी निकाल दिया ना भैया, देखें ज़रा चख के बताएं हम भी, चूँकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है अभी। भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है केसर की, क्योंकि मैंने सिर्फ केसर वाला निकालने के लिए बोला था भैया को, भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है और मीठा भी बहुत सही दिया है इन्होंने, परफेक्ट दिया है। अच्छा एक बात बताइए भैया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, इसमें सिर्फ केसर ही डाले हैं ना? केसर और बादाम दोनों, इसमें बादाम भी डाले हैं,
तो ये पीला कैसे होता है ये बताइए जी। इसको खोलने इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। इसको जैसे धीरे धीरे गर्म होती है और ये दूध मतलब खोलती जाती है, नहीं है इसमें पीलापन नहीं, थोड़ा फूड कलर जाती है पीलापन के लिए, बाकी बस जो हम लोग यूज करते हैं वो तो गाढ़ापन महसूस हो रहा है। आपको बता रही हूँ एकदम निष्पक्ष तरीके से कि ये सच में गाढ़ा गाढ़ा सा बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप इसको ठंड में पर डे एक ग्लास घर में भी पिए ना तो वो भी बहुत फायदेमंद होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और कुछ नयापन लगा तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। बाकी मैं इसको चुस्कियाँ लेती हूँ इसकी, और आप तब तक हमारे वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, इसको शेयर करें और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहें। शुक्रिया, मैं अपराजिता।